अरे मोनू भाई, क्या हो गया? उदास क्यों बैठे हो? उदास इसलिए बैठा हूँ कि आप देखिए, इतना अच्छा मॉडिफिकेशन कराया है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अब मेरी गाड़ी है, उसमें मॉडिफिकेशन कराना है। अब यहाँ तो मॉडिफिकेशन करा दी, अब मैं क्या करूँ? अरे यार, तुम टेंशन के लिए तो मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना अभी। हो पाएगा मॉडिफिकेशन? क्यों नहीं हो पाएगा? कैसे? जरा बताइए। आओ जरा बताता हूँ आपको। बताइए सर। देखो, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन का मतलब है अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं हमें उसमें चेंज करना। और अगर हमारे पास किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल दे दिया हमें, तो आप तो रूल तो पता ही है, फॉलो करना ही है। फॉलो तो करना ही है कि भाई नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना, या आपको गाड़ी की लेंथ लंबी नहीं करनी, या आपको गाड़ी में बड़े बड़े हॉर्न लगा के उसको बस बस बजाते नहीं रहना, ये तो आपको पता ही है। तो अगर मैं कहूँ उन सारी चीज़ों को पता रहते हुए अगर कुछ करना हो गाड़ी में, तो वो हम कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो इस गाड़ी में, अगर इस गाड़ी की ओरिजिनल कलर की बात करें तो ब्लैक कलर था। तो अगर ब्लैक कलर में मैंने थोड़ा सा स्ट्राइप्स इस तरह का बना दिया, क्या मैं इसको कहूँगा कि ये इलीगल है? अब ऐसे तो कहेंगे नहीं, क्यों मनु भाई? हाँ, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो ऐसा तो कुछ नहीं कि अपने टैंक के ऊपर कहीं डिजाइन कराना है तो वो इलीगल है। इलीगल क्यों? ये इलीगल से इलीगल है, क्योंकि हमने ओरिजिनल पेंट के, जो ओरिजिनल गाड़ी का पेंट है उसको तो वही रखा। हाँ, उसके ऊपर डिजाइन किया, ग्राफिक्स चेंज कर दिया, थोड़ा सा ग्राफिक अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया है। बिल्कुल। अब मोनू भाई, अगर आप इस गाड़ी में देख रहे हो तो हमने पीछे का जो टायर है वो चेंज किया है। बिल्कुल, 120 की जगह हमने सिर्फ 130 का टायर लगाया है 15 इंच में। तो अगर इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई तो क्या मेरा चलान कट जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं कटना चाहिए। कटना चाहिए। या अगर बात करते हैं, अगर मेरी सीट में बैठता था जब तो मेरे को दर्द होता था, तो मैंने थोड़ा सा कुशन बढ़ा के सीट थोड़ी सी चेंज कर दी, तो क्या गवर्नमेंट इसलिए चलान करेगी कि मेरा पीठ में दर्द होता था और मैंने कुशन बढ़ा दिया? मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो नहीं होना चाहिए। यार थोड़ा तो मुझे भी जीने दो। बिल्कुल। अब मेरी वाइफ बैठती थी तो प्रॉब्लम होती थी जी, तो अब अगर मैंने बैकरेस्ट लगा दिया जी, तो क्या मैं अपनी वाइफ को भी सेफ ना करूं? यार ये तो सेफ करना बनता ही है, बनता है। बिल्कुल बनता है ना ये। तो अगर मैं कहूँ, और ये जैसे जिस कस्टमर की ये बाइक हमने रेडी करी थी, उनका कहना था भैया सीना टोक के आप एग्जॉस्ट लगा दो। मैंने कहा भैया इलीगल है, लगा दूँ? मतलब आप लगा दो। मैंने कहा मेरे पास अब एग्जॉस्ट नहीं है, मतलब मैं ला के दूंगा। अच्छा, तो उन्होंने एग्जॉस्ट दिया, हमने लगा दिया। तो अब हमें, हम मैन को पता है कि ये इलीगल है, नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कस्टमर बोलेगा कि नहीं मेरे को तो गाड़ी अपने पास घर में खड़ी करनी है, मुझे वहीं चलानी नहीं है, आप बस लगा दो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने एग्जॉस्ट भी लगा देना है। देखो, इसमें कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि वो खुद कह रहा है। खुद कह रहा है, बिल्कुल। पीछे का अगर थोड़ा सा मडगार्ड को हम चेंज कर देते हैं, या आगे के मडगार्ड को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हमने, तो इन सारे चेंजेस में मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा या बोलेगा कि नहीं यार आपने गाड़ी में इतने छोटे छोटे चेंजेस क्यों कर रखे हैं, या इसके रैप क्यों लगा लिया है, साइलेंसर रैप। क्या ये साइलेंसर रैप भी अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर मोहित जी, मैं आपको बताऊँ, जब साइलेंसर रैप लगाया जाता है, उसका ये वजह ये होती है कि ये जो पाइप होता है गाड़ी में सबसे गर्म जगहों में से होता है। ओके। और इन गर्म जगहों को अपने यहाँ से सेव करने के लिए, अपने मेरा अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और अगर वो गलती से उस पर हाथ लगा दे तो उसका हाथ जल जाएगा, या मेरा पैर लग जाए तो जल जाएगा। बिल्कुल। मुझे रैप लगाना तो मैंडेटरी है एक तरह से, क्योंकि इसके लिए तो इंडिया में और कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। सही बात, ठीक है ना? तो रैप लगा दिया और मिरर लगा दिया, अगर मैंने कुछ इस तरह से कॉन्टिनेंटल जीटी वाले, तो क्या मेरा चलान कटेगा? मेरे ख्याल से इस मिरर के ऊपर कहीं से लेके चलान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, कोई ऐसा चलान नहीं है मिरर के ऊपर। या आप बात करते हैं इस मोबाइल होल्डर की, कि अगर मैं राइड पे जाने के लिए कुछ इस तरह का मोबाइल होल्डर यूज़ करता हूँ जो मेरे को GPS नेविगेशन दिखाता रहे मोबाइल मेरा अगर यहाँ पे डिस्प्ले में, तो भी मुझे नहीं लगता कोई इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। या मैंने अगर लेग गार्ड लगाया अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी जब गिरेगी, जब मेरी गाड़ी गिरेगी तो मेरे पैर सबसे ज़्यादा टूटेंगे। बिल्कुल। और पैरों को बचाने के लिए जो लगाया है वो हमने ये लगाया हैवी रॉड वाला लेग गार्ड। तो क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ इलीगल है? ऐसे तो नहीं लगता कि। फिर क्यों उदास हो रहे थे आप, अगर आपको नहीं लगता तो? एक्चुअल में पहली नज़र में जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा यार इसने इतनी खूबसूरत मॉडिफिकेशन करा रखा है कि यार मैं तो करा ही नहीं सकता हूँ, ये तो इलीगल है।
पर अभी आपने जो मेरे को बताई है ना छोटी छोटी टिप, इससे देख के मेरा सीना मतलब कि नॉर्मली कोई भी करा सकता है। ये छोटा छोटा मॉडिफिकेशन है, इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। और दोस्त अब जैसे आपको प्रॉब्लम अगर आती है एग्जॉस्ट की जी, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है जी, आइए हम आपको वो भी दिखाएंगे। पर पहले जो इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ है उसकी एक बार साउंड सुनते हैं और देखते हैं कि उसको क्या उसकी साउंड आ रही है, फिर एक बार दूसरा वाला जो हमारा एग्जॉस्ट उसको भी ट्राई करके आपको दिखाएंगे। इस एग्जॉस्ट की जो एकदम देखने में स्टॉक एग्जॉस्ट लगता है उसकी साउंड कैसी है आइए। तो दोस्तों ये हमने लगा दिया है इस पर रेप्लिका एग्जॉस्ट, और अगर ये शायद हम ना बता दें तो आपको पता ही नहीं चलता रेप्लिका एग्जॉस्ट। कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा यार ये जो एग्जॉस्ट है इस पर ये पत्ती लगी हुई है और इस पर नॉर्मल ये है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो फिटिंग जिसकी दी हुई है ये पत्ती एज इट इज़ निकाल के और इस पर लग जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इसके व्यू की तो कम्प्लीटली सेम एग्जॉस्ट हुआ सेम, और अगर मैं आपको उसकी साउंड सुनाता हूँ आपको मुझे पता है कि साउंड बहुत पसंद आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये इस एग्जॉस्ट की जो साउंड है इतनी हैवी नहीं है और बहुत ही लाइट आंखों कानों को पसंद आने वाली साउंड है। आइए पहले इसकी साउंड सुनते हैं एक बार। दोस्तों आपने देख रहे हैं आप साउंड सुन रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट इसकी जो एक आपका ओरिजिनल स्टॉक एग्जॉस्ट है वैसी साउंड है। अगर बुलेट में आवाज़ ना हो तो फिर बात नहीं है, जब हाथी चलता है तो और जब वो चिंगारता है तो उसकी साउंड सबको पता रहती है कि हाँ कोई हाथी है पास में आ चुका है। तो उसी तरह से ये भी हाथी है, हमें पता है यार इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ कुछ किया है जो शायद सब लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताऊँ वो नियम भी किसी वजह से ही बनाए जाते हैं क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन दोस्तों आजकल इतना हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा ना बाइक में हल्का सा चेंज करना चाहते हो, और आई एम श्योर इस ये भी एक बात बता दूँ कि इस एग्जॉस्ट का जो डेसीबल टेस्ट है वो पास है, अगर कोई डेसीबल टेस्ट इसको करता है कि क्या इसकी जो साउंड है एक लिमिटेड उसमें आ रही है तो ये एक लिमिटेड साउंड के अंडर ही आता है। तो अगर आप इस तरह के एग्जॉस्ट अपनी बाइक में लगवाना चाहते हो या आप चाहते हो कि हम आपको डायरेक्ट शिप कर दें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमें बता सकते हो। भाई अब तो बाइक मॉडिफाई हो जाएगी, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगी, हमारे पास से ही करवा लो यार मॉडिफाई। अब तो बिल्कुल पक्का सोच लिया है, ठान लिया है कि आप ही के पास से करवानी है। तो देखो ऐसा है, राइडो फाई काम तसल्ली बख्श करता है, और अच्छा। आप जैसे लोगों का काम तो मैं और तसल्ली बख्श करूँगा, मतलब टाइम के लिए रोकूंगा। आप कितना टाइम ले लेंगे? अब सर जब तक आप रहेंगे यहाँ पे आराम आराम से इतमान से आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें। बिल्कुल, और थोड़ा आप यहाँ रहें देखें यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें हमारे साथ, रुकें हमारे साथ थोड़ा। ठीक है फिर ऐसा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया राय है कि जब तक मेरी गाड़ी नहीं बनती है तो दिल्ली वाले लोगों से राइडो फाई में मिलेंगे, तिलक नगर राइडो फाई। और अगर दिल्ली वाले किसी बंदे को मिलना है तो वो मुझसे यहाँ मिलने आ सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके लिए आप ही का स्टोर है, आप ही का शोरूम है दिल्ली वाले, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने तो ये सोचा कि आपके लिए आप अगर कोई आए आपसे मिलने जी तो एक बार जरूर फ़ोन कर ले, क्योंकि यार मैंने देखा कि एक बार इन्होंने बोला है अपनी वीडियो में अनाउंस किया तो बड़ी भीड़ लग गई यहाँ पे, थोड़ा हमें भी डिफिकल्ट होता है कई बार मैनेज कर जाना इतने सारे लोगों को एक साथ। तो दिल्ली वाले अगर कोई शख्स मुझसे मिलना चाहता है या किसी को अपनी गाड़ी मेरे से एक बार दिखवानी है या गाड़ी की मतलब कोई प्रॉब्लम है वो मेरे को दिखा के शॉर्ट आउट करवाना चाहता है तो तिलक नगर दिल्ली में आ सकता है, और डिस्क्रिप्शन में नीचे पूरा लिंक एड्रेस यहाँ का मिल जाएगा कि कैसे तिलक नगर में आना है, तिलक नगर राइडो फाई। तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, अगर मोनू भाई की तरह या कोई और भी हमारे दोस्त बाइक मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं या दिल्ली में या बाहर के लिए प्री ओन्ड बाइक देखना चाहते हैं तो राइडो फाई में ज़रूर एक बार विजिट करें, हमें बताएं आपको क्या रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों एक बात और बता दूँ कि अगर आप बाइक मॉडिफाई करवाना चाहते हो दिल्ली में नहीं हो लेकिन, तो हम आपको देते हैं फ्री पिकअप एंड डिलीवरी ऑफ द बाइक विद स्मॉल टर्म्स एंड कंडीशन ऑल इंडिया। ओके वाओ, तो आपको अब चालान के अलावा ये भी नहीं सोचना कि यार मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा या कैसे आऊंगा, आप घर पे बैठिए हमें बताइए क्या काम होना है, बाइक मॉडिफिकेशन होगी और आपके पास बाइक आ जाएगी, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए हम अपने काम पे ध्यान देंगे और बाइक करेंगे मॉडिफाई।
तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे भी बात करनी है। थोड़ा थक गए हैं हम, मैं मोनू के साथ एक बार चाय चिल मारते हैं, एक एक चाय का कप हो जाता है। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाए ये ऑडियंस से ही पूछ लो ना यार। चलिए क्या चाहिए अगला वीडियो बताइए कि हम किस टॉपिक के ऊपर बनाए, कि आप बड़ा टायर या ब्रॉड टायर डालते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज करनी रहती है। मेरे नजर में ये ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, अगर बंदा एक बड़ा टायर डालना चाहता है तो उसको क्या पार्ट कितने तक का पड़ेगा और कितने दिन में उसकी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगा। बिल्कुल, तो अगला वीडियो अगर आपको चाहिए इस टाइप के तो आप मुझे कमेंट करिए, अगला वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।